ट्विटर यूजर ने ये तस्वीर ट्वीट करते हुए दावा किया कि केरला के सबरीमाला में बांटे जाने वाला प्रसाद अरावणा पायसम इस्लामिक ही नहीं बल्कि हलाल भी है। इसका नाम भी अरेबिक है। इस तस्वीर में दिख रहे डब्बे पर अरावणा पायसम और अल जहा स्वीट्स लिखा दिख रहा है। RSS Evolution from an Organization to a Movement किताब के लेखक रतन शारदा ने भी ये तस्वीर ट्वीट की। इस दावे की असलियत क्या है, आइए देखते हैं इस वीडियो में। केरला सरकार की वेबसाइट पर सबरीमाला में दिए जाने वाले प्रसाद अरावणा पायसम के बारे में बताया गया है। इसमें दिख रही तस्वीर में बाईं और सबसे ऊपर दिखने वाला डिब्बा अरावणा पायसम का है। रिलीजन वर्ल्ड की वेबसाइट पर प्रसाद के डिब्बे की बड़ी तस्वीर दी गई है। तस्वीर में डिब्बे पर साफ तौर पर त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड लिखा हुआ है। साथ में डिब्बे में नीचे की ओर अरावणा प्रसाद भी लिखा है। त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड के आयुक्त BS प्रकाश ने द क्विंट को बताया कि सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा दावा झूठा है। प्रसाद मंदिर के अधिकारी ही बनाते हैं और ये काम किसी कंपनी या संगठन को नहीं सौंपा गया है। आगे अल जहा स्वीट्स के बारे में सर्च करते हुए ऑल्ट न्यूज को पता चला कि ये दुबई में मौजूद एक मिठाई की दुकान है। दुकान के बोर्ड पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर बातचीत करने से हमें मालूम हुआ कि उनकी कंपनी ने सबरीमाला में अपने प्रोडक्ट्स कभी नहीं भेजे हैं। साथ ही उनकी कंपनी का भारत या केरला की किसी कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। यानी सोशल मीडिया पर दुबई की एक कंपनी अल जहा स्वीट्स के एक प्रोडक्ट की तस्वीर शेयर करते हुए यह गलत दावा किया गया कि सबरीमाला मंदिर का प्रसाद एक इस्लामिक कंपनी बनाती है।